ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तो सीएम से आपने मुलाकात की है, क्या राजनीतिक चर्चाएं हुई है या किस तरह की मुलाकात रही? दीपावली की राम राम करी है, क्योंकि वो पुराने राजनेता हैं और उनके नाते प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनका एक सम्मान है। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार और उनका सम्मान, ये हमारी परंपरा रही है। तो इस नाते दीपावली पे मिलना था मुझे, गवर्नर साहब से कल मिलूंगा, पायलट साहब से फ़ोन किया था, वो जयपुर से बाहर हैं, जब आएंगे जब मिलूंगा। तो सामान्य रूप से एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा, मुद्दों पर हमारा मतभेद हो सकता है, सरकार कुछ काम ऐसे करेगी जिसका प्रतिपक्ष के नाते प्रतिकार करेंगे, लेकिन राजनीति में संजीदगी और व्यक्तिगत व्यवहार, इसकी अपनी एक मान्यता है, इसको नई पीढ़ी देखती है, तो मैंने उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। और एक नेता के नाते, राजनेता के नाते उनका सम्मान है, प्रदेश के मुखिया हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो राजस्थान का नेतृत्व करते हैं और मैं प्रतिपक्षी पार्टी का नेतृत्व करता हूं, तो कुछ चीज़ें प्रतिपक्ष के नाते हमारे मन में भी रहती हैं। तो सामान्य चर्चा हुई है, लेकिन खास मकसद दीपावली की रामाश्यामा थी। लंबी मुलाकात हुई है, दो सियासतदान राजनेता जब बैठते हैं तो सियासत की भी चर्चा होती है, कोई सियासी चर्चा भी हुई होगी? मैंने तो उनसे उनके अनुभव साझा किए हैं कि उन्होंने बहुत कम अरसे में एक छोटे साधारण परिवार से शुरुआत करी थी और 27-28 साल की उम्र में वो इंदिरा जी कैबिनेट में मंत्री बन गए थे। विद्यार्थियों की राजनीति से वो आए और साधारण परिवार से थे, ऐसी बिरादरी से थे जो किसान ताल्लुक, परिवार से ताल्लुक रखती है। तो कुल मिलाकर एक जो सामान्य बातें चर्चाएँ होती हैं उसी किस्म की चर्चाएँ थी। और अभी काफ़ी तलखी भी रही हाइब्रिड मॉडल को लेकर के, आप लोगों ने भी निशाने साधे और सीएम ने भी कहा कि ये तो जो पार्टियों के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको ज़्यादा पावर दिए गए हैं क्योंकि निकाय प्रमुखों के चुनाव सिंबल पे लड़े जा रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि प्रतिपक्ष के नाते सरकार जो गलती करेगी, मुख्यमंत्री के नाते अशोक गहलोत जी जो गलती करेंगे, उस गलती को हम लोग प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे, जनता के बीच में ले जाएंगे और हमसे जैसा होगा उस तरीके की बात हम लोग करेंगे। तो व्यक्ति के नाते अशोक गहलोत जी अच्छे आदमी, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते वो यदि गलतियां करेंगे, सरकार गलती करेगी, तो हम उसका विरोध करेंगे। निकाय चुनाव पहली बार सिंबल पे लड़ा जाएगा प्रमुखों के लिए, तो आप मानते हैं कि अब जो है पार्टी का भूमिका पूरी पूरी बढ़ेगी? नहीं, जब नीचे सिंबल पे होता है तो ऊपर भी सामान्य तौर पर लिखा तो पार्टी का नाम ही जाता था, चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं होता था, फर्क इतना ही था। लेकिन ठीक है, अब यदि चुनाव चिन्हों के आधार पे होता है तो ये इनकी राजनीति है। हालांकि हाइब्रिड मॉडल से लेके पुनर्सीमांकन से लेके सरकार की बदनीयति रही है कि वो ज़्यादा निकायों पर काबिज कैसे हो, इस तरीके की कोशिश की है। और अभी भी 19 तारीख को गणना के बाद में और एक हफ्ते का गैप जो है वो सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है। बाड़ाबंदी होगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, खरीद फरोख्त होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की इस मामले में तो बदनीयति साफ तौर पर जाहिर है, हम उसका भी मुकाबला करेंगे। नहीं, सिंबल पे राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव सिंबल पे कराने की भैरव सिंह जी ने एक शुरुआत करी थी और ये चुनाव सिंबल पे यानी आइडेंटिफाइड लोग होंगे वही लड़ पाएंगे, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कल आपने आरएलपी के साथ गठबंधन छोड़ दिया, इधर कांग्रेस ने भी जो इनकी भरतपुर वाली पार्टी थी आरएलडी, लोकदल जो है उनसे, तो क्या बड़ी पार्टियां अब दूरी बना रही है निकाय चुनाव छोटे चुनाव जो? नहीं, दूरी की नहीं, लोकसभा और विधानसभा में फ़र्क होता है और जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी के सक्षम और काबिल लोग होते हैं, उनका हक मारा जाता है, इसलिए हमारा अपना वजूद है वहाँ पर निकायों में। और हमारी पार्टी के अधिकांश लोगों का मत यही था कि हम अपने बूते पर लड़ें, फिर भी कहीं ना कहीं कोई सी किस्म की आवश्यकता चेयरमैन के चुनाव में या भविष्य में कभी लगेगी तो उसका विचार करेंगे, लेकिन कोई पंचायत चुनाव नहीं रहेगा। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में गठबंधन किया था, उस किस्म के गठबंधन की पार्टी के प्रमुख नेताओं के बीच में कल चर्चा हुई थी। हमारी जो चुनाव की समन्वय समिति बनी है, उस समिति ने सैद्धांतिक तौर पर यह कहा था कि अभी गठबंधन की आवश्यकता इस चुनाव में लगती नहीं है, फिर भी हमने विकल्प खोले हैं कि चेयरमैन के चुनाव तक कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी हमें इस चीज़ की गुंजाइश और आवश्यकता और संभावना कम लगती है। पंचायत चुनाव बाद में कहा कि पहले भी पहल उन्होंने की थी और इस बार भी वो चाहते हैं कि पहल वो करें और पार्टी उनका गठबंधन रखे। मुझे लगता नहीं, शहरी निकायों में जितना जनाधार बीजेपी का उतना आरएलपी का है, इसलिए ये ठीक है कि हमारे बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लोकसभा और विधानसभा में हम लोग साथ लड़े, जीते भी,
ऐसी कोई आवश्यकता कभी लड़ेगी देखेंगे, लेकिन अभी सैद्धांतिक तौर पर कोई फैसला हमने किया नहीं। पंचायत चुनाव में क्या गठबंधन होगा या निकाय के तरीके? अभी दूर है, उसमें उस परिस्थितियों के हिसाब से आकलन करेंगे क्या होगा आपको बताएंगे। गहलोत साहब ने कुछ सर आपको बात भी बताई है, कोई सियासी कुछ ऊपर उठाना चाहोगे? गहलोत साहब से उनके जो, क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति शुरुआत करी, युवा राजनीति में लंबे अरसे तक रहे, तो स्वाभाविक तौर पर कोई बहुत सियासी बातें नहीं थी, कुछ व्यक्तिगत तौर की बातें, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी, कुछ चीज़ें जो उनसे सीखने के लायक है उन पर चर्चा हुई, कुछ वैचारिक जिन मुद्दों पर उनका संघ के प्रति और बीजेपी के प्रति एक मतभेद रहता है उन बातों पर बातचीत करी। मैंने साफ तौर पर ये कहा कि वो कांग्रेस के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, तो कुल मिलाकर प्रदेश की जनता दोनों पार्टियां जब भी सत्ता में होती हैं प्रतिपक्ष में होते हैं, लेकिन आखिरकार चिंता तो जनता की करती हैं, तो ऐसे कुछ मुद्दों पर भी चर्चा हुई कि राजस्थान में हम सब लोग बेहतर तरीके से राजस्थान की जनता की भलाई के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि वसंत राजे ने करोड़ रुपये बांटे उनको नारायण बेनीवाल को चुनाव हराने के लिए। देखिए इसका जवाब तो वही ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या आरोप लगाया, किस किस्म के आरोप लगाया, क्या उसकी जाँच की आवश्यकता, वो ज़्यादा बेहतर बताएं। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से गवर्नर साहब से जाऊंगा, पायलट साहब से कोशिश करी फ़ोन पे, लेकिन वो जयपुर से बाहर हैं, आएंगे तो उनसे मिलूंगा, वसुंधरा जी से मिलूंगा, जो हमारी एक परंपरा है मेलजोल की, मिलेंगे निश्चित रूप से। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।